वेलकम टू एसेंशियल ऑफ मेडिकल साइंस। टुडेज वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्लांट किंगडम विच इज़ द थर्ड चैप्टर ऑफ क्लास 11th बायो सेक्शंस। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कंप्लीट किया था, जिनमें हम लोगों ने देखा था किंगडम मुनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा एंड किंगडम फंजाई के बारे में। तो आज हम लोग देखेंगे किंगडम प्लांट किंगडम के बारे में। तो ये प्लांट किंगडम का इंट्रो क्लास है, तो हम लोग इसमें इंट्रो के बारे में देखेंगे प्लांट किंगडम के। तो सबसे पहले प्लांट किंगडम में आपका आता है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन एंड नेचुरल क्लासिफिकेशन। तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन क्या है? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और ऑन द एंड्रोसियम स्ट्रक्चर। ये क्लासिफिकेशन वेजिटेटिव स्ट्रक्चर एंड एंड्रोसियम स्ट्रक्चर पे बेस्ड रहता है, उसको हम लोग आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, सेकंड में आता है नेचुरल क्लासिफिकेशन। नेचुरल क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज। एफिनिटीज का मतलब आप लोग हो गया सिमिलरिटीज, मतलब नेचुरल सिमिलरिटीज को देख के नेचुरल क्लासिफिकेशन किया गया है। अमॉन्ग द ऑर्गेनिज्म कंसिडर इंटरनल एंड एक्सटर्नल फीचर लाइक अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी एंड फाइटोकेमिस्ट्री। तो आपका ये था नेचुरल क्लासिफिकेशन। ये किसके द्वारा दिया गया था नेचुरल क्लासिफिकेशन? जॉर्ज बेंथन एंड जोसेफ डाल्टन हुकर्स। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं ना बेंथन एंड हुकर के द्वारा दिया गया था ये नेचुरल क्लासिफिकेशन। अब हम लोग थर्ड इसका कैरेक्टरिस्टिक्स में देखेंगे। तो आता है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। तो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन क्या है? बेस्ड ऑन इवोलेंट्री रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे आपका इवोलेंट्री रिलेशनशिप का मतलब क्या हो गया? मतलब जेनेटिक। यहाँ पे क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है? जेनेटिक गुणों को देख के यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ जीन्स क्लासिफाई करना, उसको हम लोग इवोलेंट्री रिलेशनशिप बोलते हैं। एज्यूम डैट ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू सेम टैक्सा हैव कॉमन एंसेस्टर। एंसेस्टर मीन्स उसके प्रजाति। ठीक है, तो वही मतलब इसके जीन्स को देख के जो हम लोग डिवाइड करते हैं उसको हम लोग इवोलेंट्री रिलेशनशिप बोलते हैं, वो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन कहलाता है। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी आपका होता है कैरिड आउट यूजिंग कंप्यूटर बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी है जो क्या है, तो ये जो कैरेक्टर है ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स उस पर बेस्ड है। ठीक है, तो उस क्लासिफिकेशन को हम लोग बोलते हैं न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। फिर हम लोग आते हैं साइटोटैक्सोनॉमी में। तो साइटोटैक्सोनॉमी बेस्ड ऑन द साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन लाइक क्रोमोजोम्स, नंबर, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर। तो साइटोटैक्सोनॉमी वो कहलाता है जो कि जैसे साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन लाइक क्रोमोजोम, नंबर, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर्स। ठीक है, उसको हम लोग साइटोटैक्सोनॉमी कहते हैं। फिर केमोटैक्सोनॉमी यूज ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लांट टू रिजॉल्व कन्फ्यूजन। इसमें हम लोग केमिकल कॉन्स्टिट्यूट प्लांट का यूज करते हैं उसके कैरेक्टर को जानने के लिए, और ये अभी आज के टैक्सोनॉमिस्ट के द्वारा यूज किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे प्लांट किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में। ठीक है, तो प्लांट किंगडम को क्लासिफाई किया गया है क्रिप्टोगैमस एंड फार्मेरोगैमस। तो प्लांट किंगडम को दो भाग में डिवाइड किया गया है, क्रिप्टोगैमस एंड फार्मेरोगैमस। तब जो क्रिप्टोगैमस है ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट है। नॉन फ्लावरिंग प्लांट मींस ये फ्रूटिंग भी नहीं करेंगे, और फ्रूटिंग नहीं करेंगे तो ये फल नहीं देंगे, क्योंकि बिना फूल का फल नहीं होता है। तो क्रिप्टोगैमस जो है नॉन फ्लावरिंग में आता है एंड फार्मेकोगैमस जो फ्लावरिंग प्लांट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्रिप्टोगैमस नॉन फ्लावरिंग प्लांट को फर्दर क्लासीफाई किया गया है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। तो थैलोफाइटा को हम लोग एल्गी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग थैलोफाइटा को? एल्गी बोलते हैं। अब हम लोग देखेंगे थैलोफाइटा को फर्दर क्लासिफाई किया गया है थ्री ग्रुप में, क्लोरोफाइस, फ्यूफाइस एंड रोडोफाइस। तब क्लोरोफाइस को हम लोग ग्रीन एल्गी बोलते हैं, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रोडोफाइस को रेड एल्गी। तो हम लोग फिर से देखेंगे थैलोफाइटा को क्लासिफाई किया गया है थ्री ग्रुप्स में, क्लोरोफाइस, फियोफाइस एंड रोडोफाइस।
क्लोरोफाइट्स को हम लोग ग्रीन एल्गी बोलते हैं, फियोफाइट्स को ब्राउन एल्गी बोलते हैं, एंड रोडोफाइट्स को रेड एल्गी बोलते हैं। अब इसमें सेकेंड में आता है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा ब्रायोफाइटा को आपको फर्दर डिवाइड किया गया है टू क्लास में, लिवरवर्थ एंड मॉसेज। ठीक है, लिवरवर्थ एंड मॉसेज। अब हम लोग टेरिडोफाइटा में देखेंगे, तो टेरिडोफाइटा में आते हैं हमारे स्पिनोसाइड, लाइकोसाइड, साइलोसाइड एंड टेरिगोसाइड। ये हो गया हमारे टेरिडोफाइटा क्लासिफिकेशन। और सेकेंड में आते हैं हम लोग फेमरोगैमस। फेमरोगैमस है जो कि फ्लावरिंग कल आता है, इसके क्लासिफिकेशन हम लोग देखेंगे। तो इसको टू भाग में डिवाइड किया गया है, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ठीक है दोस्तों, तो जिम्नोस्पर्म है जो ये इसमें सीड जो रहता है नेक्ड रहता है, नेक्ड सीड रहता है, एंड एंजियोस्पर्म में क्लोज सीड रहते हैं। एंजियोस्पर्म में को फर्दर क्लासिफाई किया गया है मोनोकॉटिलेडॉन्स एंड डाइकॉटिलेडॉन्स। ठीक है, तो हम लोग एक बार प्लांट किंगडम के क्लासिफिकेशन को फिर से देखेंगे। इसको प्लांट किंगडम को दो भाग में क्लासिफाई किया गया है, क्रिप्टोगैमस एंड फेमरोगैमस। जो क्रिप्टोगैमस ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट है, एंड फेमरोगैमस आपका फ्लावरिंग प्लांट है। ठीक है, क्रिप्टोगैमस को फर्दर तीन में क्लासिफाई किया गया है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ट्रेडोफाइटा। थैलोफाइटा इसको हम लोग एल्गी बोलते हैं। ठीक है, इसको फर्दर थ्री पार्ट में डिवाइड किया गया है, क्लोरोफाइस, फियोफाइस, रोडोफाइस, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी। ब्रायोफाइटा को फर्दर दो भाग में डिवाइड किया गया है, लिवरवर्थ, मॉसेज, एंड टेरिडोफाइटा को फर्दर फोर भाग में डिवाइड किया गया है, स्पिनोसाइड, लाइकोसाइड, साइलोसाइड एंड टेरिडोसाइड। ठीक है, अब हम लोग जो फेमरोगैमस जो कि फ्लावरिंग प्लांट था, इसको दो भाग में डिवाइड किया गया फर्दर, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म जो कि हम लोग नेक्ड सीड को बोलते हैं, एंड एंजियोस्पर्म जो कि क्लोज सीड है। इसमें इसको फर्दर दो भाग में डिवाइड किया गया, मोनोकॉटिलेडॉन्स एंड डाइकॉटिलेडॉन। मोनोकॉटिलेडॉन मतलब सिंगल सीड, डाई मतलब दो। ठीक है ना, तो अब हम लोग सारे के बारे में डिस्कस करेंगे अच्छे से। सबका अलग अलग वीडियो हम लोग देखेंगे, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थैलोफाइटा जो कि एल्गी है उसको डिस्कस करेंगे। तो आप लोग सब्सक्रिप्शन ले लें जो कि बिल्कुल फ्री है, ताकि आप लोग को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।